Hi everyone, this is me Supriya Gautam and welcome back to Cosplay Genie powered by Nodwing Gaming. So this time I am going to cosplay as Loco from the game Free Fire क्योंकि काफी सारे लोगों ने मुझे बोला कि आपने गेमिंग के तो बहुत सारे कॉस्प्ले किए हैं लेकिन आज तक Free Fire में से एक भी कॉस्प्ले नहीं किया है. So here I am going to make Moco's boots and her wig. So without further ado, let's get started. तो बूट्स के लिए पर यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ अपने ओल्ड बूट्स का और शिन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 2 mm EVA फोम शीट का. और अब मैं उसका सबसे पहले पैटर्न कट कर लूँगी और लेंथ में रखूँगी नीज से नीचे तक ही, क्योंकि मोको का अगर देखेंगे तो उसका लेंथ भी नीज से नीचे तक ही है. तो पैटर्न मेरा रेडी हो चुका है और अब मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि क्या वो फिट आएगा. यस, अच्छे से फिट आ रहा है. अब मैं क्या करूँगी, जहाँ पर भी मुझे अपना एडहेसिव ऐड करना है वहाँ पर मैं उसको मार्क कर लूँगी एंड वहीं पर लगाऊँगी जहाँ पर मुझे ज़रूरत है, सो दैट हमें एकदम क्लीन लुक मिले. और ये एडहेसिव हम दोनों ही सरफेस पे लगाएंगे सो दैट यहाँ पर बॉन्ड हमारा काफ़ी अच्छे से रहे और ये ईजिली एक दूसरे से ना निकले. और एडहेसिव लगाते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि सिर्फ उसी एरियाज पर लगाना है जहाँ पर हमको ज़रूरत है सो दैट एक प्रॉपर शेप हम दे पाए, इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना होगा. तो दोनों सरफेस पे हमने लगा लिया है और हम इसको अच्छे से स्टिक कर देंगे. सो अब हमको मिल चुका है वो शेप जो हमें चाहिए था. और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे बॉर्डर्स, जिसके लिए मैंने थिन स्ट्रिप कट कर लिए है सेम 2 mm EVA फोम शीट की. दोनों को ही ऐड कर देंगे हम विद द हेल्प ऑफ एन एडहेसिव और सिर्फ उसी एरियाज पर लगाना है जहाँ पर हमको ज़रूरत है सो दैट हमें एक क्लीन एंड फिनिश्ड लुक मिल पाए. एंड हियर आई एम रिमूविंग एक्स्ट्रा फोम शीट फ्रॉम द शिन. सो पूरा अच्छे से मैंने कर लिया है और अब हम यहाँ पर बनाएंगे बकल्स. तो बकल्स के लिए हम क्या करेंगे, उसी EVA फोम शीट में से जो कि 2 mm फोम शीट थी उसको थिन स्ट्रिप्स कट कर लेंगे और एक रेक्टेंगल शेप में कट करेंगे और इसको प्लेस करते जाएंगे उसी तरीके से जैसा कि बकल हमको चाहिए. सो बकल के साथ साथ मैंने यहाँ पर एक थिन स्ट्रैप भी अटैच कर दिया है सो दैट मैं उसका बेल्ट बना पाऊँ. और यहाँ पर हमें 2 बेल्ट की ज़रूरत होंगी क्योंकि मोको के बूट्स पर उसके शिन पर 2 बेल्ट अटैच्ड हैं सो हम 2 प्रिपेयर कर लेंगे. और एक्स्ट्रा फोम भी मैंने साथ साथ कट कर लिया है सो देख सकते हो आपकी कितना क्लीन एंड फिनिश्ड लुक आ रहा है. सो एक बेल्ट मेरी रेडी हो चुकी है, दूसरी भी मैंने कर ली है साथ साथ. और अब हम इसको अटैच कर देंगे अपने शिन के ऊपर. फर्स्ट बेल्ट मैंने अटैच कर दी है और सिर्फ उसी एरियाज पर मैंने ऐड किया है एडहेसिव जहाँ पर मुझे ज़रूरत है, अगेन क्योंकि हमें क्लीन एंड फिनिश्ड लुक चाहिए. तो दूसरी बेल्ट भी ऐड करने से पहले मैंने उसका रफली आइडिया ले लिया था, मतलब एरियाज मैंने मार्क कर लिए थे जहाँ पर मुझे एडहेसिव ऐड करना है. सो दोनों बेल्ट सब अटैच हो चुकी है एंड मैं ट्राई कर रही हूँ कि क्या वो एकदम ठीक आ रही हैं. सो यस, वो एकदम फिट आ रही हैं मेरे शिन के ऊपर. सो मेरा बेस तो है रेडी हो चुका है और अब हम करेंगे कुछ डिटेलिंग. सो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग्स रहती है उसमें, सो उस बात का पूरा ध्यान रखना है क्योंकि डिटेलिंग्स अगर नहीं होगी तो जो लुक हमें चाहिए, जो लुक मोको के बूट्स पर है वो हमें नहीं मिल पाएगा. तो छोटी मोटी डिटेल्स मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन ऑफ द मोको बूट्स. और इन डिटेल्स के लिए मैंने यहाँ पर काफ़ी थिन स्ट्रिप्स ली है सेम वही 2 mm EVA फोम शीट से और उसको डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पेस्ट करते जाएंगे हम जहाँ जहाँ पर हमको चाहिए वो डिटेल्स.
तो मेरी अपर डिटेलिंग तो हो चुकी है और अब मैं पैटर्न क्रिएट करूँगी अपनी फ्रंट डिटेलिंग्स का। उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि छोटा पैटर्न ना कट करें, क्योंकि अगर आप छोटा कर लेते हैं फिर आपको दोबारा काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बड़ा रखते हैं उसको तो आप दोबारा से आप उसके ऊपर चेंजेस कर सकते हैं। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग आप उसको लगा लें विद द हेल्प ऑफ एन एडेसिव। सेम वही फिनिश लुक के लिए आपको उसे वहीं पर ऐड करना है एडेसिव जहाँ पर हमको ज़रूरत है। ये सब पैटर्न मैंने फ्री हैंड ही कट करे हैं, सो आप भी कर सकते हो, बट ध्यान रखना है कि ज़्यादा छोटा पैटर्न कटना हो एंड अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन आप उसको बस पेस्ट करते जाइए। ऑल ओवर मैंने ब्लैक पेंट कर दिया था बूट के ऊपर और सिर्फ बेल्ट मैंने रखे थे ग्रीन कलर के। और अब हम यहाँ काम करेंगे अपने विक के ऊपर और विक के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ग्रीन वूल। तो अगर आप मोको का विग देखेंगे तो फुली ब्रेडेड है एंड काफ़ी हेवी लुक दे रहा है। सो उस लुक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वूल, क्योंकि ये मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा एंड काफ़ी इजी भी लगा इसको यूज़ करने का। सो मैंने कहा ट्राई क्यों नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रैंड्स अलग कर लूँगी, 10 to 15 स्ट्रैंड्स लेके मैंने सबको ब्रेड कर लिया है और कुछ इस तरह दिख रहा है ये सारी ब्रेड्स। तो ब्रेड्स मेरे रेडी हो चुके हैं और इसको मैं अटैच कर दूंगी अपने विग कैप के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर विग को मैं पेंट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं पेंट करूँगी उसको वॉयलेट कलर से, फुल कवर नहीं करना है, सिर्फ अपर पोर्शन कवर करेंगे, वन बाय वन सबको कवर कर लूँगी। एंड इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपके स्ट्रैंड है वो सारे कलर में होने चाहिए सो दैट उसमें अच्छे से लुक आया और ऐसा ना लगे कि कुछ पार्ट रह गया है। एंड नीचे वाले पोर्शन पे मैं ऐड कर रही हूँ ब्लू एक्रेलिक कलर सो दैट एक ग्रेडियंट इफेक्ट आए। एंड मिक्स काफ़ी अच्छे से करना है दोनों कलर को सो दैट एक प्यारा सा लुक आ जाए हमारे विग के ऊपर। सो ये मेरा फाइनल लुक है विग का। ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इट्स ओके। सो इन ऑर्डर टू एनहांस द लुक ऑफ द बूट्स, जहाँ पर मेरे ग्रीन बेल्ट से उसको मैंने डार्क ग्रीन से कवर कर दिया है स्पेशली उसके बॉर्डर्स को। और अब मैं काम कर रही हूँ अपने विग के ऊपर, उसका जो मेरा लोअर पोर्शन जो था विग उसको मेरे को टाइटली रैप करना था सो दैट वूल इधर उधर ना हो, तो अच्छे से रैप अप करना है, सबको रैप अप कर लूँगी और उसको मैं फाइनली कट कर लूँगी एंड से सो दैट वूल अच्छे से रहे और जो मुझे प्रॉपर लुक चाहिए था विग का वो मुझे मिल पाए। तो सब एक्स्ट्रा पार्ट में रिमूव कर रही हूँ। सो फाइनली मेरा विग रेडी हो चुका है। सो माई विग इज ऑलमोस्ट रेडी, लुक एट दिस, लुक्स ब्यूटीफुल राइट। सो इसको हम अटैच करने वाले हैं विग कैप के साथ, या तो हम अटैच कर सकते हैं पिन के थ्रू या फिर हम अटैच कर सकते हैं ग्लूवल के थ्रू। सो ये मैं तब करूँगी जब मैं रेडी होने वाली होंगी, इसके ऊपर मैं डिसाइड करूँगी कि किस तरीके से दिखेगा मेरा विग। सो लाइक हो सकता है मैं ऐसे हूँ तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर लूँगी, सो लुक कुछ इस तरीके से आने वाला है। सो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड। So that's all for today's video and I hope you guys enjoyed it. And next video mein hum banane wale hain full costume. So stay tuned to Cosplay Genie and do not forget to like, share and subscribe our channel. This is Mr. Priya Gautam signing off for now. See you soon.